एक्स पेट्रन्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहान यूनस। तो फरहान, आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। ये मेरी वाइफ है, मेरी मिसेस सैरिश, शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, सो एसेंशियली फॉर हर एंड आल्सो फॉर ओपन माइक कैफे। एंड यू बोथ आर फ्रॉम कराची, नॉट लाहौर, राइट? वेल, आई एम फ्रॉम काइंड ऑफ ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन सैरिश इज फ्रॉम कराची, यस। सो वेलकम यू टू द कैफे एंड कसौटी, स्टार्ट। जी फरहान साहब, शख्सियत मर्द? नो। जिंदा? यस। एशियाई? नो। अमेरिकन? ताल्लुक अमेरिका से? यस। एक खातून जो अमेरिकन है और वजह शोहरत सियासत और हुकूमत? कह सकते हैं बट नॉट वजह शोहरत। वजह शोहरत इल्म फजल है? नो। क्या वजह? भी वजह शोहरत इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स है। इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स है तो जर्नलिस्ट प्रोबेबली। इल्म फजल से पूछा है, नहीं है तो जाहिर है कोई बहुत क्रिएटिव जर्नलिज्म, वो जो ऐसा काम को किया हो, कोई किताब जो जर्नलिज्म के हवाले से मशहूर हो, कोई बहुत बड़ी स्टोरी अनअर्थ की हो, तो वो लगती नहीं है। दूसरी वजह शोहरत तलाश करें भैया। एक तो पॉलिटिक्स तो होगी ना, सियासत कन्फर्म्ड है, कुछ सिविल राइट्स, हाँ कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा बहुत बड़ी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। क्यों जी, कोई सिविल राइट्स एक्टिविस्ट? नहीं, नो। ओ, शोबिज से कोई ताल्लुक हो? शोबिज से ताल्लुक है कोई? नो, नॉट रियली एनी ताल्लुक विद शो। वजह शोहरत शोबिज नहीं है? नो। फरहान, तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया जी। एक खातून जो अमरीकी है और सियासत से ताल्लुक भी है, वो किसी बहुत बड़े इदारे की कोई रेक्टर, कोई वाइस चांसलर, कोई नोबेल लॉरिएट, एनीथिंग पॉलिटिक्स में कोई काम, कोई इस वक्त पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं या रिटायर्ड हैं? इस वक्त सियासत में एक्टिव हैं जी? Or is she a retired politician? I would say retired. Retired. Ab purani khawateen mein se Madeleine Albright. Madeleine Albright is a very big name. Secretary of State thi. She also headed a think tank. Think tank to hote hain inke. Brookings ke wo president thi. Aur unke walid jo the wo Kashmir issue pe bhi unka bada kaam tha. Ji ji ji. Aur inke bare mein jo sabse mashhoor cheez hai, वो नवाज शरीफ जिन दिनों क्राइसिस में थे तो वो उनका वो क्या स्पिन डॉक्टर है वो, आपका फेवरेट मुशायद हुसैन सैयद, वो एक ही बात किया करता था कि फिक्र ना करें, मैडलिन अल्ब्राइट आने वाली हैं, आते ही मामला ठीक कर दें। और हर एक को यही कहते थे, यानी अपने मुंह से हमें ज़रूर कहना है कि अल्ब्राइट आएगी और आपके मसाइल हल करेगी। ये था बुनियादी और जौहरी डिफरेंस। फिर हमें ये कहा जाता है कि हम इमरान को सपोर्ट करते हैं, कि हु इज़ मैडलिन अल्ब्राइट? पाकिस्तान के मामलात जो हैं, ना करो यार, कॉलोनियलिज्म अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हमने पैसे देने हैं आपके, कर्जा लिया तो सूद भी तो देते हैं ना। अच्छा जी, अल्ब्राइट की तरफ जाइए। एक अम्बेसडर भी थी ना इस्लामाबाद में जी, लेडी, उसका नाम दो थी। हाँ, एक तो राइस थी मेरा ख्याल है, पावल थी, पावल, और लास्ट नेम वाज पावल। ताल्लुक फॉरेन ऑफिस से अगर आप पूछ लेना, फॉरेन ऑफिस से रहा तो इससे अल्ब्राइट भी कवर हो जाएगी और ये आपकी पावल भी कवर हो जाएगी। और एक दूसरी खातून जो राफेल की बीवी थी, राफेल जो फौत हो गया था, मारा गया था बेचारा उस हादसे में, उसकी बीवी भी डिप्लोमेट थी। सही। फरहान साहब, दफ्तर खारजा से या स्टेट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रहा? नहीं। तो ओ, रूल इट आउट। रिटायर हुए 20 साल से, 50 साल से ज्यादा? लेकिन 50 साल ज्यादा रिटायर नहीं तो हाउ इज शी अलाइव देन? रिटायर हुए 20 साल से ज्यादा हो चुका है? नो। ओहो, स्टेट डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं? स्टेट डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं तो फिर हिलरी भी गई? यस। ठीक हो गया ना, क्योंकि वो तो हेड थी। इज शी अ रिपब्लिकन? नहीं। डेमोक्रेट? डेमोक्रेट। पिछला डेमोक्रेट कौन था? ओबामा? यस। कैन बी मिसेस ओबामा, मिशेल? दैट्स अ गुड हिंट। यस। Is she an African American? Yes. Oh, yes. Yes.
आई थिंक वी आर क्लोज. व्हाइट हाउस रही हैं काफी देर तक, 8-1 साल. जी जनाब. आपने मिशेल ओबामा पूछा भैया. जी बहुत. ओबामा की बीवी के तरफ कैसे ध्यान गया आपका? सर बब्बू जानना चाहते हैं मिशेल ओबामा के बारे में. मैंने कहीं पढ़ा कि जब रिश्ता गया ओबामा का मिशेल के लिए, तो उसकी तरफ से फैमिली की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस थी कि लड़का शायद इतना काबिल नहीं है. तो अब देखिए कि ओबामा की वजह से शी बिकेम एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी. लड़का काबिल ना होना, आपको बेशुमार वाक्यात मिलेंगे. इवन टेस्ला, फिर ये विंडोज वाले का क्या नाम है यार, बिल गेट्स. बिल गेट्स ग्रेजुएशन कर ही नहीं सका. सर मोस्ट ऑफ द अचीवर्स जो है ना, जी जी जी, वो ड्रॉप आउट्स रहे हैं या फिर उनकी ग्रेजुएशंस कंप्लीट नहीं हुई, वे स्कूल के ही ड्रॉप आउट्स रहे हैं. एब्सोल्युटली. तो मैं समझता हूँ बराक ओबामा कैपेबल बहुत था. ही वॉज अ वेरी गुड लॉयर एंड कम्स फ्रॉम शिकागो, बट ही वॉज नॉट वेरी एफ्लुएंट. एक और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ी डिस्टर्ब थी. जी. एक मुसलमान इमिग्रेंट फैमिली उस तरह से जो है. अदरवाइज ही अटेंडेड हार्वर्ड. अब हार्वर्ड अटेंड करना, हार्वर्ड लॉ. यस. मैं हार्वर्ड नहीं, हार्वर्ड लॉ. yes. और तो वो शायद ज्यादा वजह उनकी वो होगी कि फैमिली बैकग्राउंड जो है, इसका बाप जो था एक पुअर वो था, इमिग्रेंट के तौर पे. लेकिन बहरहाल ही वाज वेरी लकी दैट ही सर्वाइव्ड दैट बियॉन्से एपिसोड आल्सो.